भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिवस के मौके पर अजमेर शहर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिवस के मौके पर उनकी लंबी आयु के लिए सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर लंबी उम्र की बधाई। आज भारत के हिंदुस्तान के लोकप्रिय वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिवस, तो आज इस मौके पर हमने सूफी संत महाअभियान जो कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने पूरे देश भर के अंदर चला रहा है, उसी के तहत हिंदुस्तान की जितनी भी दरगाहें हैं सभी पर चादर, लगभग सभी पर चादर फूल पेश करकर मोदी साहब की सहत्यागी और सलामती के लिए दुआ की गई है। क्योंकि बड़े सगीर की सबसे बड़ी बारगाह जो गरीब नवाज का आस्थान अजमेर शरीफ है, इसकी शुरुआत बारगाह गरीब नवाज से की गई है और आज हमने फूल चादर पेश कर मोदी साहब की सलामती, सहतियाबी, तंदुरुस्ती और कामयाबी के हक में दुआ की है। साथ ही ये दुआ की है कि हमारे मुल्क में, हमारे वतन हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान कायम रहे, हमारा मुल्क खुशहाल रहे, तरक्की हासिल करता रहे। और क्योंकि उनकी भी आस्था, मोदी साहब की अकीदत जो है उर्दू गरीब नवाज के दरबार में बेहद पुरानी है और उसी के तहत वो हर साल ख्वाजा साहब के उर्स के मौके पर चादर भी भेजते हैं, चादर का तोहफा उनकी तरफ से भेजा जाता है और हम सब लोग सब मिलकर बड़ी ही शान और शौकत के साथ में उनकी जो चादर होती है उसको पेश करते हैं। तो हम बारगाह गरीब नवाज में उनकी सेहतियाबी और सलामती के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि गरीब नवाज का पैगाम जो 800 साल पहले आपने दिया था वो यही था कि सबसे मोहब्बत नफरत किसी से नहीं। इसी के तहत हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बारगाह में सभी के लिए दुआ करते हैं। आज इस मौके पर मेरे साथ में सूफी संत महाअभियान के अजमेर प्रभारी सैयद महराज चिश्ती साहब, सह प्रभारी सैयद सादिक अली साहब, मोर्चा के अजमेर के शहर अध्यक्ष जनाब शफीक खान साहब और भाजपा के दूसरे कार्यकर्ता लोग भी उपस्थित हैं। मैं साहिबजादा सैयद अफशान चिश्ती, गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ एवं राष्ट्रीय सह प्रभारी सूफी संत महाअभियान,